शिव बाबा का फेमस चाट खा रहा है ये लड़का। गाइस आप भी चाट लो। स्वाद कैसा लग रहा है? हाँ तो गाइस हम लोग शिव बाबा से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल था। चाट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनिवार होने के बावजूद इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ वगैरह भी आई हैं, जो कि हमें लग रहा है एग्जाम देने के बाद आई हैं। हम लोग तो कभी आए नहीं एग्जाम देने के बाद, क्यों भाई ऐसा क्यों? हम लोग क्या सच्चा भाई जयराम वर्मा में था। और नहीं ऐसा हम लोग का कुछ और ना कहे नहीं, इतना अच्छा एग्जाम गया भी नहीं कि हम लोग शिव बाबा आ सके। ये देखिए शिव बाबा का फील्ड है यहाँ पे, अक्सर मायावती जी आती है। रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, यहाँ पे फोर लेन बनने वाला है। ये अकबरपुर फैजाबाद मुख्य मार्ग है जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ क्या, हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप? सैनिक दोनों सैनिक बैठे, सैनिक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। देखिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है अकबरपुर का, आइए और एडमिशन कराइए, बहुत अच्छा माहौल मिलता है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है फिर आगे मिलते हैं। अरे भैया तो भाइयों पानी खींच लो, बहुत ही गर्मी है भाई साहब। हाँ गर्म है, गर्म हो जाएगी गाइस। भगवान ने एकदम ब्राइटनेस बढ़ा रखा है और भगवान के ब्राइटनेस के चक्कर में हम लोग का बैटरी डाउन हो जा रहा है। दे दो भाई पानी पी लो, बचा लेना गाइस, पानी पी लो बचा लेना गाइस। ये लड़का पानी पी रहा है, देखिए देखिए तरीका, देखिए इनका पानी पीने का पानी पीता है। बच्चों को भाई एवरीथिंग इज ब्लॉगिंग। देखिए यहाँ पे ये नव निर्मित रोड है, कहीं डांसिंग कार तो नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे संगीत, भाई ध्यान से देखो भाई, भाई देखो कुछ हो रहा है भाई, भाई भाई कुछ हो रहा है, उसमें हिल रहा था भाई जंगल में। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, राजधानी जा रही, राजधानी जा रही है भाई। ये स्कूल भी है यहाँ पे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। गाइस देखिए टेम्पो जा रहा है, गाइस मनाई नहीं है। हाँ काम कुछ मनाई भी है गाइस, जरा देखिए हमारा ड्राइवर इतना गाड़ी चला रहा है, बहुत सलीम ड्राइवर है भाई। बहुत महंगा ड्राइवर हम लोगों ने हायर किया भाई, सबके बस की बात नहीं है अफोर्ड करने इसको। तो बढ़िया है माहौल, अच्छा है। आगे मिलते हैं। जब उसका मालिक नहीं मानता है ना, तो ये पास फैक्ट्री से दो दो सलिया ले आता है मालिक कुमार के लिए। नहीं नहीं और फैक्ट्री का नाम है जीटीसी। तो भाई पूरे अकबरपुर में मैडम पूरा नहीं तो, अरे हमारा तो बच्चा लोग होते थिंक डिफरेंट ग्रुप गाइस। देखिए अच्छा माहौल है लेकिन गर्मी बहुत है इस समय भाई। भाई वहाँ देखो छाया है, वहाँ पे रुक के कुछ हम लोग जलपान कर सकते हैं। तीन मिला पहले एक्वाइर्ड किए हुए हैं वहाँ का जगह। यार बकचोदी मत करो, ब्लॉग बहुत बंदा है भाई। आगे मिला जो समोसा खा रहा है, समोसा कैसा है गाइस? तो गाइस फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का, हम लोग शहर के अंदर आ चुके हैं और ये तमसा मार्ग का के नाम से जाना जाता है ये रोड। यहाँ पे ढेर सारे कॉलेजेज है, उसी में से एक कॉलेज हम लोग का भी है जहाँ पे हम लोग पढ़े लिखे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये डॉक्टर अशोक स्मारक लघु माध्यमिक महाविद्यालय, इसका ये इंग्लिश मीडियम ये है। अच्छा कॉलेज था, टीचर अच्छे थे, कभी 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 ज़्यादा लतिया देते थे लेकिन ठीक है, लतियाना भी बनता है वरना आज हम लोग स्टार ब्लॉगर ना बन पाते। मुझे आज भी खुद से याद है जब डीके भाई ने मुझे पेला था। इसमें इस गली में भी एक कॉलेज है,
सैनिक कॉलेज। यही वो लड़का है जिसको डीके भाई ने पहला था। ठीक है, लतियाना भी एक आशीर्वाद है शिक्षकों का, जिसको संघर्ष पूर्वक आनंद करे। यही वो लड़का है, चुप रहा है, ये पहला गया था मोबाइल के लिए, मोबाइल में कुछ विचित्र तरह की चलचित्र लेके आया था, दोस्तों की सेवा करने के दरमियान पिला गया था। देखने के बाद सब खा हो गया। मास्टर कप्तान नहीं होता इसलिए उसने हम लोग को खा कर दिया। हाँ ये पॉइंट है भाई। और ये डिग्री कॉलेज का गली है, उसी कॉलेज का। हाँ गेट, मैं आपको मेन गेट दिखाना चाहूंगा अभी। यही वो गेट है अशोक स्मारक का। देखिए कुछ महिलाएं अभी भी निकल रही हैं, पापा की पड़िया। ये पापा की चमगादड़ थी। ये तमसा मार्ग है ना, सॉरी तमसा नदी है, बताना चाहूंगा। यही तमसा नदी पार किया था जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे भाई, तो यही नदी पार करके जाए। लकड़ी का पुल बना हुआ था। हाँ तब लकड़ी का पुल बना था, अब थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, आरसीसी हो गया है। जब बाढ़ आ जाती थी तो हम लोग पीछे ही नदी तैर करके कॉलेज जाते थे। हाँ बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। आज तो देखिए पूरा मार्केट बन चुका है, ये पहले जंगल हुआ करते थे, यहाँ पे भालू वगैरह बहुत मात्रा में मिलते थे। और एक बार तो इसको एक चीता ने दौड़ा लिया था। क्यों भाई उस कहानी बताओ जो चीता वाली। चीता ने दौड़ा लिया था भाई वो तो, कैसे कैसे। बाकी बातें नहीं बताऊंगा गाइस। ये सब बाढ़ में पहले डूब जाया करती थी, यहाँ पे तैरते थे हम लोग, मजा आता था। अजनबी कचालू वाले की ये अजनबी कचालू अभी तक कचालू ही बेच रहा है, लेकिन बहुत फेमस है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी होंगे इसके इसके बारे में जानते होंगे। गजब का कचालू खिलाता था भाई साहब। और एक जमाने पे यहाँ पे ठेका हुआ करता था जो बंद हो चुका है, गांव वालों ने उनके जो मर्द लोग थे उससे दुखद होके गांव वालों ने बंद करा दिया। तो काफी अच्छा माहौल रहता था इधर, फैमिलियर माहौल रहता था कंकरनाथपुर का। तो ऐसे ही रही हम लोग की सफर, मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में और कुछ अच्छा फिर से दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, समझदार बनिए और मस्त रहिए, और देखते रहिए हम हमारा ब्लॉग, और थोड़ा प्यार वार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू बढ़ाइए यार। बाय बाय।